पता नहीं बच्चों, यस एक्चुअली बच्चों, मेरा ना बीच में फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे ना यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। राइट यस, उल्टा दिख रहा है। यस काजुल, क्या करूँ बेटा। आप इस पे चलिए, मैं फिर भी हाँ मुझे कॉपरेट करेंगे। जिस तरह से हम मोदी जी को पूरा हेल्प कर रहे हैं अपने नेशन, ऐसे आप मुझे भी कॉपरेट कीजिए, तब हम जाके अपनी क्लास को सक्सेसफुल कर सकते हैं। राइट यस, मेरे बहुत प्यारे बच्चे। यस यस बेटा, अब से सेकंड फर्स्ट हम जो देखेंगे वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एंश्योर करेंगे। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ ऑफ मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, सब पॉलिटिकल साइंस की क्लास है बच्चों, पॉलिटिकल साइंस देखो लिखा हुआ है, आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। यस समझ में आया? ठीक है गौरव जी, ठीक है बेटा। हाँ जी गौरव, तो हम बात कर रहे थे, मैंने ये बात की कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया गया वो हम इंश्योर कैसे करेंगे, हम कैसे माने, पूरी सोसाइटी कैसे मानेगी। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी साहब की भी बात कर लें, इन्होंने हमें कुछ बोला कि लॉकडाउन है और आपको घर में रहना है आपको, तो हमने इंश्योर कैसे किया, हमने उनकी बात को क्यों माना? वाई? बिकॉज ऑफ हमारा इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया हुआ है वो ये कहता है कि कैसे कोऑर्डिनेट जो आपकी गवर्नमेंट करती है और इंश्योर कराती है, और हमें हम इंश्योर करते हैं उसकी उनकी पावर को। और इंश्योर क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा हुआ है। सी, अब आप कहेंगे कि जिनके जिनकी कंट्री में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है वो क्या नहीं माने? बिल्कुल मानेंगे बेटा, मोनार्की, उनके वहाँ मोनार्की सिस्टम होगा, मिलिट्री सिस्टम होगा। तो डिपेंड ऑन दी सोसाइटी कि भी कहाँ पर क्या रूल और रेगुलेशंस हैं वहाँ। राइट, एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो अब इंडियन जैसे हम कॉन्स्ट अब मैं एक्चुअली थोड़ा सा बस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना चाह रही हूँ मैं, और कुछ नहीं बता रही हूँ मैं कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बाद में बात करेंगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि स्पेसिफिक ऑफ दी डिसीजन, कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिसीजन मेकिंग है उनको क्यों माने। जैसे हम कहेंगे अरे बेटा तुषार, ये मंडे को होगी क्लास पॉलिटिकल साइंस की, तो आप 11th क्लास का क्यों देख रहे हैं? आपको तो 12th क्लास में होना चाहिए, आप यहाँ क्लास वीडियो क्यों देख रहे हैं? अब ये 11th क्लास की है वीडियो। ए यस, एक दिन में दो दो क्लासेस नहीं होगी। राइट ठीक, ओके तुषार, डू यू अंडरस्टैंड? या अब मेरे प्यारे बच्चे, अब जो आपको पढ़ाया है या आपको फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर हमने पढ़ा उसके बारे में पढ़िए, अब इस वीडियो को मत देख के टाइम पास कीजिए। यू रेड इट, क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो, ये स्टडीड ना? यस या नो तुषार? हाँ जी, अब ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट भी मत करिए और मैसेज नहीं किए, है ना? ठीक है बेटा, और अभी आप पढ़िए 12th क्लास का चैप्टर। अभी जो 11th क्लास के नए नए जो बच्चे आए ना, प्यारे प्यारे बच्चे, इनके साथ हम बात करेंगे। यस 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 मीनू, सो यस, या हम कैसे स्पेसिफाई करें, कैसे उनकी डिसीजन मेकिंग को माने। राइट,
और तो हमने मानी, हमने मोदी साहब की बात को माना हमने. क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा देखो, मैं थोड़ा डीप स्टडी हम करना चाहते हैं. आप ये सोचेंगे अरे मैम कहाँ ले गई. मैं एक्चुअली इसी प्रेजेंट टाइम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बताना चाहूँगी कि हमने उस डिसीजन पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर्स को हमने क्यों माना, स्पेसिफाई जो क्यों क्यों माना, वो बिकॉज ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमें अपने गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी, इंश्योर करना पड़ेगा उनकी पावर को. सी कैसे कि हमारे आर्टिकल 362, ये जो हमारे पास पावर्स हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट या और भी जो पावर पीएम को दी हुई हैं, तो उनकी हमें जैसे हम अब एक फंडामेंटल राइट जो हमारा है, तो उसमें ये कि भी अगर इमरजेंसी लगती है तो, या कुछ इस तरह से गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन आता है, तो वो हमें जो कॉमन पीपल हैं और सभी को वो पूरे देश को मानना पड़ेगा. समझ में आ गया? तो यहाँ सेकेंड पॉइंट स्पेसिफिक ऑफ जो हमारे स्पेसिफाई है वो डिसीजन मेकिंग पावर, उसको कैसे माने, बिल्कुल मानना पड़ेगा क्योंकि हमारे ये गवर्नमेंट में दिखा है, राइट. अब थर्ड, थर्ड में ये लिखा है लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारे पावर हमारे, अगर मान लीजिए कि हमारे हम अपने पावर को ज़्यादा, हमारे जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज़्यादा आ गई, तो उस कि गवर्नमेंट को कैसे लिमिटेशन करेंगे उसके पास भी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इतना ब्यूटीफुल और इतने अच्छे से बनाया गया है कि सुपर पावर किसी को नहीं बनाया. डू अंडरस्टैंड? हमारे यहाँ तीन गवर्नमेंट के तीन स्ट्रक्चर यानी तीन पिलर्स बनाए. एक था एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तो सुपर पावर किसी को नहीं बनाया है ना, तो किसी ना किसी को किसी के ऊपर डिपेंड रहने के लिए बात करी, इंडिपेंडेंट किसी को नहीं होने दिया, राइट. तो ये लिमिटेशन लगाई गई पावर में. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम था कि कहीं अगर एक पावर, जैसे हमारे कुछ एरा टाइम था हमारा वन पार्टी डोमिनेशन था, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर यही था कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी चूज करें, किसी के एक के हाथ में पावर ना, जैसे चाइना के हाथ में पावर एक के, एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में, तो ऐसे हमारे इंडिया में नहीं है. क्यों? क्योंकि हम किसी की स्पेसिफिक ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं देना चाहते, हम किसी एक को पावर नहीं देना चाहते. समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? ध्रुव समझ में आ रहा है आपको? तो यही है. और